हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। आज हम आए हुए हैं सारिका देशमुख मैडम के यहाँ पे। इन्होंने भी बहुत अच्छा गार्डन सजाया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, बताइए हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में। मेरा नाम सारिका देशमुख, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ और मेरे छोटे सा मेरा जो घर का स्पेस है उसमें मैंने छोटा गार्डन किया है और बहुत ही अच्छा किया मैडम। मैंने देखा, अभी व्यूअर्स को दिखाना बाकी है। तो ये कम बजट में कैसे बनाया आपने? पहले तो मैंने जो मेरे यहाँ पे जो बॉटल और कुछ जो वेस्ट था उसमें से मैंने लगाने की शुरुआत की। अच्छा। और बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट किया मैंने। गार्डन का ये पूरा वीडियो आप सब देखिए उसको, और अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये यहाँ पे एक कैरी किया हुआ है मैंने और इसमें ये मॉर्निंग बेल्स है। हाँ, इसको पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और अच्छे फ्लावर है ये। हाँ, और एकदम फ्रंट साइड में एकदम गेट के एंट्री में आपके है ना। हाँ, और ये व्हाइट वाला कनेर है, व्हाइट कलर है। हाँ, और ये कुंदा है। अच्छा, ये भी मैंने अभी अभी लगाया हुआ है। जस्ट ये मेरा इसका फ्लावरिंग पहला ही है ये। अच्छा, फर्स्ट फ्लावरिंग है। फर्स्ट फ्लावरिंग है। और ये वाला गुलाब है, गुलाब व्हाइट गुलाब। तो ये व्हाइट वाला है, इसमें थोड़ा कलर अलग दिख रहा है मैडम। वो शेड थोड़ा सा धूप की वजह से कम ज्यादा हुआ तो वो चेंज होता, और जो जो पहले आता है जस्ट ग्रोइंग होता है तो वो पिंकिश कलर दिखता है और बाद में फिर व्हाइट हो जाता है ये। ये पिंकिश कलर इसमें दिख रहा है इसमें। हाँ, इसलिए मैंने लगा ये पिंक कलर के, लेकिन ये तो व्हाइट ही है गुलाब। ये मेरा एडेनियम है, ये 3 साल पूरा नहीं है सिर्फ। और ये मैंने जो मेरा मटका था टूटा हुआ, वो मटके को बीच में से काट के इसमें लगाया था। अच्छा, तो ये मेरा यूज हो गया। हाँ, उसको कलर भी कर दिया आपने? कलर भी कर दिया। हाँ, और ये मेरा ऑयल का कैन है। ये ऑयल के कैन में ये लगाया मैंने। हाँ, और वो बहुत बड़ा भी हो गया उसमें, उसको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये भी वैसी है, ये मॉर्निंग बेल्स है। हाँ, और ये मॉर्निंग बेल्स को ना बहुत ही क्यूट है ये। और ये भी मैंने मटके में लगाया है। हाँ, ये मेरा मटका था टूटा हुआ। हाँ, तो मैं इसलिए मटके हर साल लेती हूँ प्लांटिंग के लिए। और ये भी लीली है। हाँ, और ये भी मैंने मटके में ही लगाई है। अच्छा, ये भी मेरा टूटा हुआ मटका था, उसको काट के मैंने लगाए हुआ है। हाँ, यानी एक मटके में फिर दो प्लांट लगा सकते। अच्छा, हैं एक प्लांट में दो प्लांट कर दिया। हाँ, अच्छा, ऐसा है। और ये भी कलर का है, और कलर का पेंट है। हाँ, अच्छा, कलर का डब्बा है वो, मैंने ये लगाया हुआ है। और ये बॉटल है, ये बॉटल में मैंने मॉर्निंग जो 10 o'clock रहते ना, वो लगाया हुआ है। ये स्पाइडर प्लांट है मेरे। ये जो बॉटल रहती है बिस्लेरी की, वो बॉटल का मैंने एक जगह देखा था, उसमें प्लांटेशन किया हुआ। अच्छा, तो ये मैंने कट करके लगाया हुआ है ये। अच्छा, और ये जो संक्रांति में जो हम यूज करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में पॉट, वो उसमें मैंने लगाया हुआ है। एक भी वेस्ट नहीं करती, उसमें पूरा प्लांटेशन किया हुआ है। तो ये जो ऊपर गई है ये किसका प्लांट है? ये मोगरे का प्लांट है, बहुत पुराना है ये। अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ वो उसकी ये दिखती थी, ब्रांचेस दिखती थी, तो मैंने उसको क्या किया कि ये लटका दिया। अच्छा, कुछ ना कुछ उसको भी यूज किया मैंने। अच्छा, ऐसा है। और ये कोलियस है मेरे पास, 6-7 प्रकार के है। अच्छा, तो ये भी मैंने पेंट का डब्बा था। अच्छा, उसमें लगाया हुआ है, उसका यूज किया। ये भी उसमें लगाया हुआ है। ये मटका है शायद, इधर और आ गया। ये मटका है। ये प्लांट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना ये अभी चला जाता, और ये समर में आता है। अच्छा, अच्छा, समर में उसको फ्लावर्स आते हैं। ये भी कैन में यूज किया हुआ है मैंने। और ये भी, ये लाजाड़ू बोलते हैं, लाजाड़ू। इसको हाथ लगाने से
मुरझा जाता है। ये किस में लगा दिया आपने? ये जो कबर्ड रहते थे ना पुराने गोदरेज के, कपाट, उसमें वो उसके जो नीचे के पैर थे वो हमने काटे थे, तो उसमें ये मैंने लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से वो ग्रोथ हो गया उसका। ये मनी प्लांट है, अभी लाया क्या आपने? ये मैंने ये अभी लाया है और कटिंग, और ये अभी मैंने उस बॉटल में लगा हुआ है जो वेस्ट बॉटल था उसमें बॉटल में लगाया हुआ है, और ये अच्छे से ग्रोथ करेगा शायद, लग जाएगा वो जो लग जाता है मनी प्लांट लग जाता है। ये स्पाइडर प्लांट है और ये स्नेक प्लांट है जो भी ऑयल इसमें लगा वो भी जो पेंट के डब्बे में लगाया हुआ है, और ये जेड प्लांट है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, दो तीन साल हो गए उसको। एक स्टिक लगाया था मैंने, वो अभी ग्रो किया। अच्छा, और ये स्नेक प्लांट अलग और है आपके पास? ये स्नेक प्लांट मेरे पास चार प्रकार के हैं। ये एक है और ये वाला है और एक ये व्हाइट बॉर्डर वाला है। एयर प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा रहता है, ज्यादा ऑक्सीजन। हाँ, ये हाँ एयर प्यूरिफायर है, और ये स्पाइडर प्लांट है। अच्छा, ये मैंने ये जो वेस्ट जो पॉट था उसमें लगाया हुआ है, प्लास्टिक का उसमें है, और ये भी स्पाइडर प्लांट है। ये भी मैंने जो संक्रांति के मटके रहते हैं उसमें लगाया हुआ है। ये मनी प्लांट वो भी छोटे पॉट में है लेकिन अच्छा ग्रो किया उसको। और ये जो टायर रहते हैं ना, अच्छा, स्कूटर के टायर, हाँ वो टायर कट करके मैंने इसमें हैंगिंग लगाया है। अच्छा, और ये भी बॉटल में है मेरा, बिस्लरी बॉटल में है ये। वो उसको बहुत ही अच्छा लगा, आप कट करके बराबर एक साइड में हो गया, फिक्स हो गया एक जगह। यहाँ पे भी मटके लगा दी, ये सब मटके हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं करना, और वो दिखने पे भी अच्छा दिखता है इसलिए मैंने वो लगा दिए सब। अभी ये देखिए, ये और ये जो मेरा है ना, ये अचार की भरनी है, उसको कलर करके मैंने इसका स्टैंड बना दिया। लेकिन दिखती नहीं वो अचार की भरनी इधर के। ये जो हैंगिंग है ये रखने के लिए मैंने ये जो पाइप है ना उसका यूज किया, ये बहुत पुराना पाइप था मेरे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का पाइप है वो। हाँ, और उसको कलर की करके उसको थोड़ा ग्लास वगैरह लगा के मैंने डेकोरेट कर दिया करके, हाँ, और उसके ऊपर ये रख दिया। ज्यादा प्लान के ये भी मटके में, आपके नाम पता नहीं है शायद, नहीं पता नहीं है, ये भी मटके में ही लगाया हुआ है। जो भी मुझे अच्छा दिखता वो मैं लेके आती। ये मनी प्लांट है, ये मैंने कैरी में ग्रो किया हुआ है, ये ऊपर लिया और फिर यहाँ पे भी बढ़ाया मैंने ऐसे उसको, हाँ वो ऊपर भी जा रहा, हाँ, और ये साइड में भी मैंने ऐसे ऐसा पूरा उसको थोड़ा शेप दे दिया, उसको। और ये गुलाब है, एक छोटा गुलाब है ये। अच्छा, पिंक कलर का, हाँ। ये बहुत बड़ा है, ये जासमंद अलग है मैडम, अलग है ये। हाँ। हाँ। उसका कलर जो है वो ज्यादा रेड, और फूल भी बहुत बड़ा है उसका। ये हैंगिंग है, पूरा प्लांट्स लगा के हरा भरा कर दिया मैडम आपने। हाँ, ये बाहर से भी कैरी करके उसमें लगा के मैंने ऊपर ले लिया पूरा प्लांट्स, और ऊपर जाई जुई भी दिख रही मेरे को। हाँ, जुई है, चमेली है ऊपर, चमेली ऊपर, हाँ वो बाहर लगा के फिर बाहर से मैंने ऊपर लिया। धूप की सीजन में तो बहुत ही अच्छा, ठंडा ठंडा लगता है मैडम, बहुत ही अच्छा, वो देख के ही अच्छा लगता है, देख के अच्छा। पूरा ग्रीनरी देख के ही अच्छा लगता है वो धूप में। तो यहाँ पे मैम ने यहाँ पे शेवंती लगा दी है, ये सेवंती जो है, हाँ, ये मेरा सबसे पुराना है। हाँ, ये कलर, हाँ, ये हो गए उसको 6-7 साल, हो गए उसमें से कटिंग करके मैं हर साल लगाती हूँ। हाँ, और ये सब मेरे पास 4 शेड है उसमें से, ये येलो ऑरेंज शेड है, ये रेड है, हाँ, और ये येलो है, डार्क येलो। हाँ, और ये जो है ये मैंने कैन में लगाया हुआ है। अच्छा, ऑयल कैन, और ये, हाँ ये ऑयल कैन है, हाँ, और ये पेंट का डब्बा है उसमें ग्रो किया हुआ है। और ये जो तुलसी है, ये मुझे तुलसी लगाना बहुत पसंद है, ये तुलसी लगाना मुझे, और ये मैं इसमें ग्रो करके किसी को गिफ्ट भी दे देती हूँ। अच्छा, इसमें इसने आपने जिसको लगा उसको दे देती हूँ, इसलिए लगा के रखती हूँ। अस्टर है, इसमें हमेशा फूल रहते हैं। अच्छा, और ये रेड और येलो दोनों एक ही इसमें लगाया हुआ है, और ये
झेंडू, मैरीगोल्ड, हाँ मैरीगोल्ड ये भी मेरे डिब्बे में, और ये मेरा चाफा है इसमें लगा दिया मैडम पिंक कलर का, इसमें ऑयल पेंट की, और ये ऑयल पेंट के डब्बे में लगाया हुआ है, और इसको भी ज्यादा दिन नहीं हुए, तीन साल हो गए सिर्फ इसको, ये चाफा, और ये मैंने सिर्फ छोटा सा कटिंग लगाया था उसमें से इतना हो गया, ग्रोथ हो गया ये। और ये मेरा स्टैंड था ये पुराना हमारे यहाँ पे, उसमें मैंने उसका यूज करके इसमें लगाया हुआ है, 10 o'clock लगाया, इसमें तुलसी भी आ गई कि इसमें था पहले, हाँ। और उसका बीज गिर के उसमें, हाँ। फिर वो बहुत सारे उग गए थे उसमें, हाँ। छोटे छोटे प्लांट्स, तो वो मैंने सभी जगह लगा दिए और मुझे अच्छा भी लगता है वो लगाना, तो कोई किसने मांगा तो आप उसको दे देते, उसको दे देती हूँ मैं, अच्छा। बहुत लोग आते हैं ऐसे, हमारे यहाँ का खराब हो गया अभी दे दो, तो मैं दे देती हूँ उनको। ये गुलाब, ये गुलाब है, बहुत ही अच्छा कलर है मैडम, हाँ। और ये गावरानी गुलाब है, ये बटन गुलाब है, अच्छा, पिंक कलर का, पिंक कलर। अभी उसमें फूल नहीं है, हाँ। अभी कलिया आना शुरू हो गया, चालू हो जाएगी उसमें। ये टायर में लगाया हुआ है, हाँ, इसमें येलो कलर के, ये येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और ये उसमें धुरवा भी आ गया, गणपति के लिए बहुत काम, गणपति के लिए इसीलिए वो लगाया हुआ है कि वो काम में आ जाता फिर, हाँ। ये एडेनियम है, ये कितना साल पुराना है, ये 3-4 साल हो गए सिर्फ इसको, ये पिंक कलर का एडेनियम है, और ये मेरा जैस्मिन का पौधा है, पूरा कलर यूनिक है इसका, येलो कलर का, येलो कलर है, और उसका फूल भी बहुत बड़ा है। ये मिर्ची जैस्मिन है, इसको बहुत सारे फूल आते हैं, ये छोटा ही पौधा रहता लेकिन इसको फूल बहुत ज्यादा आते हैं। जैस्मिन के अलग 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 है मेरे पास, 7 प्रकार के टाइप से, 7 प्रकार के है ये मेरे पास, 7 प्रकार के, हाँ। ये ऑरेंज है, ये रेड है, अभी इसकी एक खुल गया था, लेकिन खुल गया था वो, मुरझा गया अभी, और ये गावरानी वाला जो रेड आता है ना वो रेड है, और ये भी ये येलो है, येलो है, येलो है, ये लिली है, हाँ। उसको भी ऐसे गुच्छे वाले फ्लावर्स आते हैं, रेनी सीजन में आते होंगे, हाँ रेनी सीजन में आते हैं, और ये करदड़ी रेड कलर की, रेड कलर की, और ये निशिगंधा है, अभी उसके फ्लावर नहीं है, हाँ। ये सब मैंने वेस्ट में ग्रो किया हुआ है, लिली, लिली ये वाला येलो है पूरा, ये व्हाइट है, और ये पिंक है पूरा, और ये बड़ा वाला जो पिंक आता है ना वो पिंक बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने इतना सारा लगाया हुआ है वो। ये मुझे घर में भी पौधे लगाने के लिए अच्छा लगता है, तो ये हमेशा मैं ओरिजिनल प्लांट ही लगती हूँ, घर में रखती हूँ, तो ये मनी प्लांट है, और ये मेरे मिट्टी की पॉट में है, लेकिन उसके साथ में घर में जो पॉट है वो भी मैंने यूज किए, पुराने जो बर्तन, पुराने बर्तन है, पूरा यूनिक दिख रहा, अलग दिख रहा है, हाँ। और ये व्हाइट वाला मनी प्लांट है, ये मेरे पास अच्छी बॉटल थी, ये बॉटल में मैंने रखा हुआ है, और जो मटके रहते ये मैंने उसको पेंट किया हुआ है, अच्छा। कलर की दोरी लगा के उसको, अच्छा, दोरी लगाई है आपने, दोरी लगाई है, दोरी करके, और छोटी बॉटल थी उसको मैंने किया, ये ऐसे मेरे, ये भी स्पाइडर प्लांट है, घर में भी ये इंडोर प्लांट है, तो ये भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, इसमें रखा हुआ है, ये भी घर में जो बर्तन थे वो रख के उसका एंटिक दिखता है, एंटिक दिखता है। आपके यहाँ का गार्डन तो बहुत ही अच्छा है, और हमने पूरा व्यूअर्स को दिखा दिया, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे मैडम? मैं यही कहना चाहूंगी, अगर थोड़ा टाइम है और अगर अपने को इच्छा है तो हम घर में छोटे छोटे जो पॉट रहते हैं, वेस्ट वाले बॉटल है, कलर के डिब्बे है, या फिर प्लास्टिक की टोकरी वगैरह रहती है अपने यहाँ पे, या अपने पुराने मटके हैं, उसमें भी अपन ये प्लांट ग्रो कर सकते, और छोटी जगह में भी होता है, और बहुत अच्छा दिखता है, खुद को भी अच्छा लगता है वहां पे बैठने के लिए, अगर आप डिस्टर्ब है या कुछ है तो अपना टाइम भी जाता है उसमें, और अच्छा लगता है। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप भी, आपने भी वीडियो शूट किया इसलिए आपका भी थैंक यू संकेत।